ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपका राइट है हस्बैंड के घर में रहने का, यानी कि सॉरी हस्बैंड का घर नहीं, आपके घर में आपको रहने का आपका राइट है. ओके, तो उस टाइम हमने बात की थी आपको राइट्स की. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की. अगर मान लो आपको घर में एंट्री चाहिए लीगली तरीके से, तो आप कैसे ले सकते हो. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लीगली. अब ये नहीं कि आप ट्रेसपास कर रहे हो, आप घर में जाके उनके दीवार से फांद रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं करना. तो फिर मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा, उस वो गलती आपको नहीं करनी. ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है. वैसे तो देखो आपका राइट है पूरा उस घर में, ठीक है, क्योंकि आपने शादी की है तो लीगली एज ए वाइफ आप जा सकते हो घर में रहने के लिए. लेकिन होता क्या है हमारी सोसाइटी में कि एक शर्म नाम की चीज होती है, जब तक हमें कोई लेने नहीं आएगा तो हम ऐसे घर में एंट्री भी नहीं करते किसी की. ठीक है, फिर वो तो ससुराल की बात है, तो आप समझ सकते हो. ठीक है, वहां तो आपको लाइफ टाइम रहना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हद भी हो जाती है. ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो. तो पहला एक्शन है कि आप डायरेक्ट जाओ, ठीक है, आप एंट्री लो. अगर आपको कोई मना करता है तो आप फर्स्ट स्टेप है आप 100 नंबर पर कॉल करो. ओके, 100 नंबर पर कॉल करके आप पुलिस कॉल कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि ये मेरा घर है और ये मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा. ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया. सेकेंड ऑप्शन वुमेन हेल्पलाइन नंबर, ओके, 181 शायद यही है. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हो. ठीक है, ओके. और थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन के लिए देखो आपको थोड़ी प्रिविलेज चाहिए. ठीक है, अगर सपोज आपके आपकी फैमिली में कोई पुलिस में है, ठीक है, कोई भी पुलिस में हो, ओके, या फिर कोई आपका जानकार हो, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो. ठीक है, उनको बोल सकते हो कि ये मेरा घर है, मेरे को एंटर नहीं होने दे रहे, तो आप थोड़ा मेरे साथ चल दीजिए, तो वहां भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी. ठीक है, ओके. तो अब आपको क्या नहीं करना, तो देखो एक तो आपको हाथापाई नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है, और इलीगल ट्रेसपास नहीं करना. तो ये जो वीडियो आएगी ना उसमें देखना आपकी, यहाँ पे क्या होता है, एक भाऊ है वो इलीगल ट्रेसपास कर दिया, जो कि इलीगल आपको नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये ना करो आप, और कोई भी लड़ाई वड़ाई ना करो. ठीक है, बिल्कुल आपका राइट है. अब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो चलो ठीक है, बोलने वाली बात होगी. अब बिल्कुल फर्दर ऑप्शन क्या है आपके पास, ठीक है, पक्के वाला काम क्या है. देखो डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 19, ओके, 19 है एक्चुअली. क्या होता है बहुत सारे सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं तो थोड़ा माइंड में निकल जाता है ऐसी, तो हाँ, तो 19 है वो. तो वो आपको रेजिडेंशियल ऑर्डर देता है. ठीक है, वैसे तो उसमें जब पास होगा तब की बात है, लेकिन आपका राइट है. ठीक है, अगर फिर अगर आपका जो नेचर है वो थोड़ा वैसे वाला है, यानी कि एग्रेसिव नहीं है, आप बिल्कुल शांत माइंड वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी जजमेंट को निकाल लो. ठीक है, या फिर आप सर्च करोगे ना कि राइट टू रेजिडेंस इन मैरिटल होम, तो वहां पे भी आपको यस ही आएगा, तो उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लो आप. ठीक है, अगर कोई पुलिस आती है या फिर ससुराल वाले घुसने नहीं देते हैं, तो आप उस चीज को दिखा सकते हो कि भाई मेरा राइट है, मेरे को घर में राइट है. ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो कि मैं प्रॉपर्टी में राइट नहीं ले रही, मेरे को रहने का अधिकार है, एज ए लीगली वाइफ मैं यहाँ पे रह सकती हूँ और मेरा राइट है. ठीक है, तो मेरे को कोई नहीं निकाल सकता. तो पहली बात तो आपका हक है यार, देखो हक, ठीक है, बिल्कुल हक है, कोई भीख तो आप मांग नहीं रहे, हक है. ओके, और हक थोड़ा बहुत इंडिया में क्या होता है, छीनना ही पड़ता है. ठीक है, फ्री में तो किसी को नहीं मिलता. अब किसी के साथ ऐसा हो गया है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पुलिस कॉल कर सकते हो. ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर कोई आपका जानकार है उससे आप हेल्प ले सकते हो. ठीक है, और हो सके तो आप एक क्या करो, किसी जजमेंट, कोई जजमेंट निकालो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि राइट टू रेजिडेंस इन मैरिटल होम. ठीक है, तो वो आपको काफी हेल्पफुल होगा. और सेक्शन 19 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक बार आप प्रिंट आउट निकलवा लो. ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है कि भाई यहाँ पे ये क्यों कर रहे हो, यहाँ पे पंचायत क्यों कर रहे होता है ना, कि भाई सारे लोग देखने आ जाते हैं, तो उसको आप दिखा सकते हो कि भाई मेरा राइट है यहाँ पे रहने का. ठीक है, और मैं रहने का राइट मांग रही हूँ, मेरे को कोई प्रॉपर्टी में राइट नहीं चाहिए. ओके, नथिंग एल्स. सो आई होप इट इज क्लियर. फिर भी आपको कोई फर्दर डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे क्वेरी कर सकते हो. ठीक है, ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. चिल मैन, चल 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 चल
आते हैं इसको ये बिल्डिंग से दे दो ना, बिल्डिंग से ये।